Assalamu alaikum to everyone. I hope you all guys are well. I welcome all of you to your own YouTube channel Kashmiri Students. तो जैसा आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि जेके एसएसबी की नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2021 में उन्होंने फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में 12th बेस या 10th बेस या जिन्होंने 10th प्लस किया है 12th मैक्सिमम किया है उनके लिए 100 प्लस वैकेंसीज निकाली है फॉरेस्ट गार्ड में और सोशल फॉरेस्ट्री में. तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ जो जिन्होंने अभी 12th किया है अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो उनके लिए भी ये पेपर ठीक रहेगा और बाकी सारे जितने भी पोस्ट है इसमें वो भी ये पेपर चेक कर सकते हैं क्योंकि उनका तो सेम ही पेपर आएगा. खाली जो ये फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए फिजिकल टेस्ट होगा उनको 4 आवर्स में 25 किलोमीटर्स चलना होगा तो उसके बाद उनका फिर एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके बेस पर फिर उनकी सिलेक्शन हो जाएगी. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका पेपर ढूंढ रहे थे जो JKSSB की तरफ से इससे पहले एक रिक्रूटमेंट हुआ था 2017 में तो उसका पेपर मैं आपके लिए अभी लाया हूँ. मैं आपको वो पेपर दिखा देता हूँ आप उसे फिर अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पेपर कैसे आएगा यहाँ किस पैटर्न का आएगा या किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2017 JKSSB फॉरेस्ट गार्ड पेपर फुल पेपर हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए सेक्शन फर्स्ट में इंग्लिश आता है. तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश है इसमें तो आप यहाँ पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ क्वेश्चन पढ़ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप खुद भी पढ़िएगा. तो आप खुद आराम से देख लीजिएगा कि कैसा पेपर आता है इसमें. देखिए सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश मैं आपके लिए ज़्यादा जल्दी स्वाइप नहीं करूँगा क्या ताकि आप सारी पढ़ सको. तो आप पास भी कर सकते हो और पढ़ सकते हो इसे पास करके आप पढ़ सकते हो. देखिए फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें आगे कौन सेक्शन सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आया इसमें तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें बेसिक से आते हैं आर्टिकल्स बाकी सारे जो भी है इसमें. ज़्यादा हार्ड या टफ पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है इसमें तो आप आज से इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा. देखिए हम देखते हैं इंग्लिश सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे पेज 2 ऑफ 24 है ये पेज नंबर 2 तो हम अब पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं. देखिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप पास करिएगा या वीडियो को स्लो मोशन में चला के नीचे ऑप्शन आता है वहाँ पे किस स्पीड से आप चला रहे हैं आप स्लो मोशन में चला के चेक करिएगा. रही बात सिलेबस की तो वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको मिल जाएगा वो वेबसाइट पे आ जाएगा तब मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए. तो आपको बस सिलेबस कंप्लीट करना है बस ज़्यादा टाफ भी नहीं होता ही और फिजिकल टेस्ट के लिए आप IC एक्सरसाइज या रनिंग स्टार्ट कर लीजिएगा जो इसमें इंटरेस्टेड है. और सारे स्टूडेंट्स तो JNK में जॉब के लिए इंटरेस्टेड ही है तो आप स्टार्ट कर लीजिएगा पेज नंबर 3 ऑफ 24.
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आराम से स्वाइप कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जॉब करना चाहते हो और जिनकी क्वालिफिकेशन 12th के आसपास है, 12th 10th, तो उनके लिए भी अच्छा है। आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे भी आप ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो टाइम से देख सको। पेज नंबर 4 अप टू 24। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन इंग्लिश सेक्शन से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश के सेक्शन से आप याद रखिएगा कि 18 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश सेक्शन से। अब नंबर 2 मैथमेटिक्स से देखेंगे हम कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सिलेबस के हिसाब से आप डरिएगा मत, ये जो सिलेबस दिया गया आएगा उसी से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो आप क्वेश्चंस देख के नहीं बताना कि हमें कितना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, तो सिलेबस मिल जाने के बाद आप खुद समझ जाओगे। तो जब सिलेबस वेबसाइट पे आ जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आप आराम से, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप नहीं देख सकते अच्छे से तो वीडियो को स्लो मोशन में चला के आप देख सकते हो या पास करके आप देख सकते हो। देखिए बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन। आप आराम से देख सकते हो, अगर आप पास करके वीडियो को पास करके आप देख सकते हो। फिर देखिए सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। पेज नंबर 6 अप 24 था ये। आप चेक कर सकते हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कौन कौन से और किस लेवल के आते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये 2017 का आप याद रखिएगा, 2017 का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो हुआ था वही पेपर है ये। मैथमेटिक्स का सेक्शन है ये। देखिए फ्रेंड्स मैथमेटिक्स, तो हो गया मैथमेटिक्स का सेक्शन। हम अभी चेक करते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हो, 50, 47, 48, 49 और 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस तक आते हैं इससे। मतलब कि मैथमेटिक्स सेक्शन से 32 क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इंग्लिश सेक्शन से 18 क्वेश्चंस आते हैं और मैथमेटिक्स सेक्शन से 32 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आगे चलते हैं अभी फिजिक्स सेक्शन, इससे देखते हैं कितने क्वेश्चन। फिजिक्स से भी बेसिक आता है, देखिए आप पहला ही क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कितना बेसिक है। जब द फॉलोइंग इज सेकेंडरी फ्यूल, तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होते, तो आप आराम से इन्हें पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए आप आराम से पढ़िए और ज़्यादा आपको सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए आई थिंक ये
टेंथ के जो फिजिक्स है उससे ये क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। तो यही रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा या लेंसेज की क्वेश्चंस है, तो बहुत बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। जो बिल्कुल जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी आराम से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके सीट निकाल सकता है, अगर उसकी विल हो तो। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, द नॉर्मल लॉस ऑफ नियर फोकसिंग एबिलिटी दैट ऑकर्स विद एजेस एज मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिगमेटिज्म। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये छोटे क्लास में पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, आप यहाँ पे पढ़िए, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। 60, क्वेश्चन नंबर 60 आप पढ़िए, विच रेडिएशन ऑफ सनलाइट इज यूज्ड इन हीटिंग ऑफ सोलर कुकर। तो ये तो आम सा क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। देखिए न्यूमेरिकल भी बहुत से इजी आते हैं बेसिक, तो भी आप टेंशन मत लीजिए। तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आप बेसिक फॉर्मूला याद करके ने चेक कर सकते हो। पेज नंबर 10 of 24 हम देख रहे हैं अभी, तो आगे चलते हैं। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट अगर मैं नहीं जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को स्लो मोशन में चला के खुद भी चेक करिएगा। फिर भी मैं स्लोली स्वाइप करता हूँ ताकि आप पढ़ सको। तो बहुत से इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये पेज नंबर या सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 केमिस्ट्री। पहला सेक्शन इंग्लिश था, सेकंड सेक्शन मैथमेटिक्स था, थर्ड सेक्शन फिजिक्स था, और फोर्थ सेक्शन अब केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में भी बहुत से इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 70, क्वेश्चन नंबर 71। तो हाँ, फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इंग्लिश से 18 क्वेश्चंस, और इससे क्या बोलते हैं इसे, फिजिक्स नहीं, मैथमेटिक्स से 32 क्वेश्चंस, फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री से हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 70 में देखिए, एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू वाटर इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, नो चेंज इन टेम्परेचर, रैपिडली इंक्रीज टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन का ही क्वेश्चन है क्लास 12 का, तो आराम से आप पढ़ सकते हो इसे। देखिए रैन एसिडिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स इज ड्यू टू, तो आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ज़्यादा ये टफ नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील अलॉय आर 73, क्वेश्चन नंबर 73 आप चेक करिए। तो बहुत 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 इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो चेक करिएगा आप। देखिए मैं बहुत आराम से स्वाइप कर रहा हूँ ताकि आप सब पढ़ सको। देखिए रिएक्शंस पे आ रहा है क्वेश्चन, रिएक्शंस पे भी आ रहे हैं। पेज नंबर 12 of 24 अब 13 पे जा रहे हैं। देखिए 78, क्वेश्चन नंबर 78 आप पढ़ सकते हैं, लिबरेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज। तो ये बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको ये भी नहीं आएगा, और प्रेपरेशन करके आप सबका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत इजी फंक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ब्यूटेनॉल इज, तो क्वेश्चन नंबर 84, तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड व्हेन बर्न्ड गिव्स, पेज नंबर 85, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप अगर थोड़ा सा भी प्रिपेयर हो आपको तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इसमें एक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए कितने क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आते हैं, और केमिस्ट्री सेक्शन से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए एस्पायरिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, देखिए ये क्लास 12th का केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, तो बहुत इजी है। तो एस्टर्स आर फॉर्मड बाय रिएक्शन ऑफ, तो एस्टर्स किन से बनते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चेक करिए। अब चेक, मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, तो बहुत ही, यहाँ पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाजेस, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे बायो के क्वेश्चंस हैं उतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो आप आराम से चेक कर सकते हो, वीडियो को स्लो मोशन में चला के आप पेपर चेक कर सकते हो। देखिए, देखो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड लाइज इन द रेंज, बहुत इजी। एंटी एसिड यूज फॉर रिड्यूसिंग स्टोमक पेन है। देखिए क्लास 12 की के लास्ट चैप्टर से, केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। टू टीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ, मतलब माउथ का पीएच पूछ रहे हैं। तो बायोलॉजी सेक्शन, तो आप बायोलॉजी सेक्शन से आप देखिए, नॉर्मली व्हाट इज द एवरेज ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो ये मैक्सिमम हर किसी एग्जाम में आता है कि आरबीसी की लाइफ लाइफ स्पैन क्या है, तो 120 डेज, ये तो सबको ही पता है। तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए आप खुद भी चेक कर सकते हो कितना इजी पेपर आता है इसमें। तो आप थोड़ा सा भी प्रिपेयर अगर आपको है तो आप कर सकते हो। द फ्लूड मीडियम कंटेंट इन ब्लड इज, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो बायो से भी बहुत, और बायो में तो और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, किसने एवोल्यूशन की फर्स्ट थ्योरी दी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ओजोन होल के लिए कौन से गैस रेस्पॉन्सिबल है, वो भी दिए। और हाँ, आपको ये बता दूं कि केमिस्ट्री सेक्शन से भी 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो हम फिर सम अप लास्ट में आपको सम अप करके बता देंगे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अभी पहले क्वेश्चन पेपर अच्छे से चेक करिएगा। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन इज जनरली स्टोर्ड इन, मतलब कि इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, तो वो डीएनए में, सबको पता है। तो क्लास 12th और 10th से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो आप केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स अच्छे से पढ़िएगा। फिजिक्स में उतने सारे नहीं आते 12th के, फिजिक्स में 10th बेसिक ही आते, बट केमिस्ट्री और बायो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस 12th एनसीईआरटी से फ्रेम हुए हैं। एनसीईआरटी के बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है इसमें। देखिए भी कितने इजी क्वेश्चंस है इसमें। इफ यू विल यू कैन क्रैक दिस एग्जाम वेरी इजीली। तो अगर आप चाहे तो आप कर सकते हो। बाकी आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, और अगर मतलब कोई किसी को कोई टिप चाहिए हो तो बता देना, ट्रिक्स एक्स्ट्रा सिलेबस आने के बाद। स्टडी मटेरियल में भी इसका कुछ मैं अपलोड कर दूंगा आने के बाद, सिलेबस आने के बाद। तो फिर उसके बाद चेक करते हैं स्टडी मटेरियल आने के बाद। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए मेल हार्मोन इज, मेल हार्मोन कौन सा है, वेरी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने थोड़ा भी इसमें मेहनत की तो आप कर सकते हो। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये 2017 का पेपर है जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जेके एसएसबी ने रिक्रूटमेंट निकाला था। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर 121। तो आप देख सकते हो मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो आप चेक करिए, मतलब बहुत 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 ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रिपेयर हो तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और रही बात फिजिकल टेस्ट की, तो उसमें आपको मैंने पहले भी बता दिया, आपको 25 किलोमीटर्स विद इन 4 आवर्स चलने हैं। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 15 किलोमीटर्स विद इन 4 आवर्स चलने हैं। तो उसके बाद फिर आपका ये रिटर्न होगा, फिर रिटर्न के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो जो फिजिकल टेस्ट पास करेगा उसी का रिटर्न होगा। तो आप फिजिकल के लिए भी तैयार रहिएगा, आप वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करिएगा आज से ही। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आगे आपके, आपको इसके मॉडल पेपर्स भी
बता दूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो लाइकली होंगे, आने 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 के चांस जिनके ज़्यादा होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं फिर अगर आपको चाहिए हो तो मैं फिर अपलोड कर दूंगा वो। आई थिंक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायो से आते हैं। देखिए बायो से कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे, 45 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस हमारे बायो से आते हैं। तो ये यहाँ पे पेपर एंड हुआ, तो मैं आपको अभी सम अप करा देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आता है, उसमें 18 क्वेश्चन, उससे हमें 18 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सेकंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से 32 क्वेश्चन आते हैं। नंबर थर्ड फिजिक्स, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं। नंबर फोर्थ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आते हैं। और नंबर फोर बायोलॉजी, और बायोलॉजी से 45 क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम 45 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, और वो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ सको, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। और जिसको ये पेपर चाहिए हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो और वहाँ पे पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी देख सके। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।